हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम के, डिसएडवांटेजेस क्या है हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, हम बता चुके हैं। जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो पहले हमारी टेलीमेट्री पर दो क्लासेस हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम एंड बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम, उसको आप देख लें तब आप आगे पढ़ेंगे। तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगी सारी चीजें। तो हमने आपको बताया था कि टेलीमेट्री क्या होता है। टेलीमेट्री क्या है? डाटा को ट्रांसमिट करना किसी भी रिमोट लोकेशन से कन्वीनियंट लोकेशन, वो क्या कहलाता है? हमारा टेलीमेट्री कहलाता है। ओके, अब जो ब्लॉक टेलीमेट्री है उनको हमने क्लासिफिकेशन बताया था, किस तरीके का चैनल यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन चैनल किस तरीके का यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे ये दो टाइप से थे हमारे, एक तो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम और एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है हमारा। ओके, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। तो हमने आपको बताया था कि लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम क्या है, वह सिस्टम है जिसमें क्या होता है, एक लाइन यूज की जाती, मतलब एक ट्रांसमिशन चैनल यूज किया जाता है, एक वायर यूज किया जाएगा, एक केबल यूज किया जाएगा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब जहां से जहां तक हम क्या कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, वहां एक क्या करेंगे, केबल को बिछा देंगे या ट्रांसमिशन चैनल को बिछा देंगे। तो ये क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ओके, अगर हम बहुत लंबा क्या कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो उतना ही लंबा अपन को चैनल यूज करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइन यूज करनी पड़ेगी या केबल यूज करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमारा। ओके, तो ये जो होता है लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम, ये क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे हम क्या करते हैं, लैंडलाइन टेलीमेट्री चैनल का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या है हमारा लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम का। तो इसमें जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ट्रांसड्यूसर और सेंसर लगा होता है। ओके, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर और सेंसर होगा, यहाँ पे जो भी मेजरेंड है वो मेजरेंड देंगे, उसके बाद सिग्नल कंडीशनर, ओके, ट्रांसड्यूसर और सेंसर, सिग्नल कंडीशनर हो गया हमारा, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी और पल्स मॉड्यूलेटर। ओके, ऑडियो फ्रिक्वेंसी और पल्स मॉड्यूलेटर, उसके बाद आएगा एम्पलीफायर, नेक्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम होगा हमारा वो क्या होगा, इसके एम्पलीफाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर नेक्स्ट यूज करेंगे, जो वो होगा डीमॉड्यूलेटर, नेक्स्ट सिग्नल कंडीशनिंग टू, सिग्नल कंडीशनर, ओके, डीमॉड्यूलेटर हो गया, सिग्नल कंडीशनर टू, उसके बाद यहां पे एंड डिवाइस। एंड डिवाइस, ओके, यहां पे जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ये जो है ट्रांसमिट करने के लिए वो क्या होगा, पेयर ऑफ कॉपर वायर और केबल। ये हमारा होल क्या है, ब्लॉक डायग्राम है लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम का। ओके, कि जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन की किसका क्या काम है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेम यहाँ पे वही है, मेजरेंड, मतलब यहाँ पे कोई भी फिजिकल वेरिएबल होगा, जो भी फिजिकल वेरिएबल हमें मेजर करना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे। ओके, जो फिजिकल वेरिएबल मेजर करना है वो क्या होगा, मेजरेंड होगा, मतलब मेजरेंड क्या है हमारा,
एक इनपुट क्वांटिटी है, जो भी मेजर करना है वो क्या है हमारा मेजरेंड कहलाता है। अब ये जो मेजरेंड है वो किस में जाएगा, ट्रांसड्यूसर और सेंसर ये एक साथ हमने जोड़ दिए। हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या था हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट और फिर क्या था हमारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ था, मतलब ट्रांसमिटिंग टेलीमेट्री ट्रांसमीटर, तो एक साथ हमने लिख दिया। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनपुट क्वांटिटी है, उसको सबसे पहले क्या करेगा सेंसर सेंस करेगा। अगर वो मैकेनिकल क्वांटिटी है तो उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। अगर इलेक्ट्रिकल है देन इट इज नो यूज ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर। ओके, तो जो इनपुट क्वांटिटी आई वो इसमें आएगी। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग क्या करेगा, उसको कंडीशनर करेगा। सिग्नल कंडीशनिंग हम पढ़ चुके हैं, सिग्नल कंडीशनिंग का काम क्या होता है, उसको कंडीशनिंग करना। मतलब जो भी आउटपुट में हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है ये चेंज कर देता है। अगर उसका एम्पलीट्यूड सपोज कम है तो ये क्या करेगा उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा या कम कर देगा, मतलब जो भी चाहिए है। या फिर हम क्या करते हैं एनालॉग टेलीमेंट सिग्नल कंडीशनिंग यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग यूज करते हैं। तो किस तरीके का डाटा हमें आउटपुट में चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा उसको कंडीशनिंग कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, उसके बाद ऑडियो फ्रिक्वेंसी और पल्स मॉड्यूलेटर लगे हुए होते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटर का काम क्या करता है, ये अलग से क्या करता है एक कैरियर फ्रिक्वेंसी, मतलब जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, अगर क्या है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है। हमने आपको बताया है कि जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है उसमें वोल्टेज होता है, करेंट होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, पल्स पोजिशन होता है, हमारा पल्स होता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी की बात आती है, ये सिग्नल कंडीशनिंग यहाँ पे तो क्या है जो भी सिग्नल है, जैसे कि वोल्टेज हो गया हमारा, ओके, करंट हो गया हमारा, पोजीशन हो गया, इन सब को ये कंडीशनिंग कर देगा। अगर ये मान लो सपोज एनालॉग में है और आउटपुट यहाँ डिजिटल है तो ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर लगा के यहाँ कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट जहां पर फ्रिक्वेंसी की बात आएगी तो फ्रिक्वेंसी क्या है, अगर फ्रिक्वेंसी क्या होती है बहुत कम होती है तो उसको जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो जो हमारा सिग्नल है वो क्या होता है हमारा कंपनसेट हो जाता है, मतलब सिग्नल जो है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है। तो जब भी अपन डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, मतलब ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ताकि जब वो ट्रांसमिट हो तो वो इजीली ट्रांसमिट हो सके और प्रॉपर जो हमें वैल्यू चाहिए वो प्रॉपर वैल्यू उसकी क्या हो मिले। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं मॉड्यूलेटर लगा देते हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो सिग्नल्स को क्या करती है ऐड करती है, बहुत सारे सिग्नल को एक साथ ऐड करके फिर एक आउटपुट देती है हमारा। ओके, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, यहाँ पे क्या है जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, जो सिग्नल आया है, जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के साथ साथ क्या करता है एक और फ्रिक्वेंसी हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ओके, इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी के साथ एक फ्रिक्वेंसी ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं क्या कैरियर फ्रिक्वेंसी, कैरियर सिग्नल। ओके, तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होती है ऐड हो जाती है, तो अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है बढ़ जाती है। तो जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो फिर ये क्या होगा इजिली क्या हो सकेगा ट्रांसमिट हो सकेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं मॉड्यूलेटर कर लगा देते हैं, मतलब एक अलग से कैरियर फ्रिक्वेंसी को हम जो हमारा मेन सिग्नल है उसके साथ एडअप कर देते हैं ताकि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो इंक्रीज हो जाए और वो इजीली क्या हो सके ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद क्या करते हैं अपन एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर क्या है सिग्नल जो है उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा इंक्रीज कर देता है। ओके, क्योंकि अगर जो मैग्नीट्यूड इनपुट मेजर करना चाह रहे हैं वो बहुत ही कम है, सपोज 0.001 एम्पियर है, तो इतना छोटा सा सिग्नल अगर अपन ट्रांसमिट करेंगे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ सिग्नल बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्योंकि लॉसेस वगैरह भी हो जाते हैं कई सारे, तो हमें वो सिग्नल दिखाई नहीं देगा कि कैसा है हमारा। तो पहले हम क्या करते हैं उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हम उसको ट्रांसमिट करें तो इजीली वो ट्रांसमिट हो सके। तो यहाँ पे अपन एम्पलीफायर लगाते हैं। उसके बाद लैंडलाइन यूज कर रहे हैं, केवल यही अंतर है लैंडलाइन में हमारा और रेडियो फ्रिक्वेंसी में, किस चीज का, ये चीज का, ये जो है हमारा पेयर ऑफ प्रॉपर वायर ऑफ केबल। यहाँ पे अपन क्या करते हैं एक प्रॉपर चैनल यूज करते हैं, एक प्रॉपर क्या करते हैं वायर बिछाते हैं या केबल बिछाते हैं डाटा जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एक कॉपर वायर या फिर केबल्स जो है वो लगाएंगे यहाँ से यहाँ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, ये जो है ये वाला हमारा क्या कहलाता है ट्रांसमिटर। ये जो दो हमारे ब्लॉक्स हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी और पल्स मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर, ये क्या है हमारे ट्रांसमिटर है, ये क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। ओके, और ये जो दोनों है ये क्या कहलाएंगे हमारे रिसीवर। ओके, ये दोनों ब्लॉक क्या कहलाएंगे रिसीवर।
अब जो हमारा डाटा ट्रांसमिट होके आया है उसको अपन और एम्पलीफाई कर लेंगे, क्योंकि जब डाटा ट्रांसमिट होके आया है तो इतना लंबा अगर हमारा चल के आया तो उसमें कुछ ना कुछ सिग्नल्स क्या हो गए होंगे, लॉस हो गए होंगे, तो उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा और एम्पलीफाई कर लेंगे ताकि उसको इजीली मेजर कर सकें। उसके बाद क्या लगाएंगे, डीमोडुलेटर। यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, मॉडुलेटर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डीमोडुलेटर। मॉडुलेटर में क्या किया था, जो एक फ्रिक्वेंसी थी कैरियर फ्रिक्वेंसी उसको अपन ने ऐड कर दिया था ताकि फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ जाए और डाटा क्या हो, इजीली ट्रांसमिट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, वही जो फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे ऐड की थी उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर वो फ्रिक्वेंसी ऐड रहेगी और वो आउटपुट में आएगा तो क्या जो एक्चुअल हमारा सिग्नल था वो अपन प्राप्त कर रहे हैं आउटपुट में, नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल सिग्नल था वो हमें गेट नहीं हो रहा है आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्वेंसी ऐड हो गई ना, एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी ऐड के लिए अपन ने वो क्यों की थी अपन ने, ताकि इजीली क्या हो, सिग्नल ट्रांसमिट हो सके। बट ये जो फ्रिक्वेंसी ऐड की थी इसको बाद में हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो सिग्नल इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, केवल अपन को सिग्नल तो वही चाहिए जो इनपुट है। अगर इसको करेंगे तो ये तो क्या हो गया, मॉडिफाइड सिग्नल हो गया हमारा। तो डीमोडुलेटर का काम क्या होता है कि जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी ऐड की थी या एक्स्ट्रा सिग्नल जोड़ा था मेन सिग्नल के साथ, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ओके, तो डीमोडुलेटर क्या करेगा, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी थी, जो हमने एक्स्ट्रा कैरियर फ्रिक्वेंसी ऐड की थी, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ओके, तो अब जो हमें यहाँ के पास सिग्नल मिलेगा यहाँ पे वो क्या होगा, हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा। ओके, तो ये ओरिजिनल सिग्नल हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हमारा सिग्नल कंडीशनर टू लगा है, तो ये जो एंड है, ये जो सिग्नल कंडीशनर वन है वो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा कि किस तरीके का यहाँ पे केबल वगैरह है, किस तरीके का डाटा ट्रांसमिट करना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जो हमारा मेन सिग्नल है उसको चेंज कर देगा। यहाँ से यहाँ तक आ गया सिग्नल। अब जो हमारा एंड डिवाइस है, मतलब जो आउटपुट डिवाइस है, जो यहाँ पे रिकॉर्डर वगैरह लगे हुए हैं, ये डिजिटल हैं या फिर एनालॉग हैं, किस तरीके हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये वाला जो सिग्नल कंडीशनर है वो क्या करेगा, डाटा को क्या करेगा, कंडीशनिंग करेगा, मतलब डाटा को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ओके, कि जो एंड डिवाइस है वो किस तरीके के है। सपोज यहाँ पे सिग्नल एनालॉग आ रहा है और जो एंड डिवाइस है, जो भी हमने लगाई हुई है, वो हमारे पास डिजिटल है, तो ये क्या करेगा, इस एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अपन मेजर कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है, टोटल ब्लॉक डायग्राम ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। की जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले इनपुट आएगा, ट्रांसड्यूसर और सेंसर उसको सेंस करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर सिग्नल कंडीशनिंग वन, ये क्या करेगा, सिग्नल को कंडीशनिंग करेगा, अकॉर्डिंग चेंज करेगा जैसा यहाँ पर ट्रांसमिट होना है उसके अकॉर्डिंग। फिर ऑडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर लगाए हैं, एक एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि डाटा इजीली ट्रांसमिट हो सके। एम्पलीफायर लगाएंगे, वो क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ताकि जो डाटा ट्रांसमिट हो वो इजीली रिसीव हो सके। अगर डाटा बहुत कम मैग्नीट्यूड का है उसको ट्रांसमिट करेंगे तो उसको मेजर करना टफ होता है, इसलिए यहाँ पे एम्पलीफायर लगा देते हैं। लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है ये, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वायर केबल्स वगैरह लगाएंगे। अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी होगा तो यहाँ पे कोई केबल वगैरह नहीं होगा, फ्रिक्वेंसी के थ्रू क्या हो रहा होगा, डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। फिर जो डाटा आया है वो क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, ट्रांसमिट होके आता है, तो उसको फिर से एम्पलीफाई करेंगे, फिर डीमोडुलेशन करेंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी को हटा देंगे, उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग टू लगाएंगे। फिर यहाँ पे एंड डिवाइस होती है जो कि रिकॉर्ड वगैरह करती है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। जो हमारा लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो हमने आपको बताया कि जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है इसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर एक केबल या फिर ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ती है, मतलब प्रॉपर एक चैनल यूज करना पड़ता है, जहां से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वहां से लेके जहां पे अपन रिसीव करना चाह रहे हैं, मतलब एक रिमोट लोकेशन से एक कन्वीनियंट लोकेशन तक जितना भी दूरी है वहां के लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर चैनल बिछा होता है, जो वो होता है लैंडलाइन टेलीमेट्री। ओके, जब एक पूरा चैनल बिछाना है तो उसकी क्या होगी, कॉस्ट हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जहां पे डिस्टेंस कम है ओके वहां अपन यूज करेंगे। अगर बहुत लंबी डिस्टेंस है वहां हम चैनल बिछाने बैठेंगे तो जितना तो हमारा डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा, उतना ज्यादा तो उस चैनल की कॉस्ट आ जाएगी, फिर उस चैनल के जो कॉस्ट उसमें मेंटेनेंस भी लगेगा, कम लगता है बट लगता तो है ही, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो उसकी इफिशियंसी को ध्यान में रख के करते हैं, पैसे को ध्यान में रख के करते हैं, कॉस्ट को, कि वो हमें
फायदेमंद पड़े, ऐसा नहीं हो कि हम यूज तो कर रहे हैं बट उसकी कॉस्ट इतना है कि वो हमें यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कम से कम पैसे में हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो उसकी इफिशियंसी क्या है ये और कॉस्ट क्या है ये देख के हम यूज करते हैं। तो जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव होता है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है ट्रांसमिशन, वहां पे क्या होता है ये लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम क्या होता है यूजफुल होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर अपन क्या करते हैं फ्रिक्वेंसी के थ्रू क्या करते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं। ओके, इसकी जो सर्किटरी यूज करते हैं वो क्या होता है सिंपल होती है, सिंपल सर्किटरी रिक्वायर्ड होता है इसलिए अपन क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये रिलेटिवली क्या होता है इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा खर्चीला हमारा नहीं होता है, ज्यादा महंगा हमारा ये नहीं पड़ता है। इसमें जो मूविंग पार्ट्स है वो क्या होते हैं बहुत कम होते हैं इसलिए मेंटेनेंस क्या होता है इसका लो होता है। मूविंग पार्ट्स जहां पे भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां पे क्या होता है एक फ्रिक्शन आ जाता है, घर्षण आ जाता है। जहां भी फ्रिक्शन आता है तो वो घिसते घिसते धीरे धीरे क्या करता है उस डिवाइस को क्या करता है हमारा डिटोरिएट करने लगता है, मतलब वो डिवाइस क्या है धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो जहां पे भी मूविंग पार्ट्स आता है वहां पे क्या होता है रिपेयरिंग वगैरह जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, उसके पार्ट्स घिसने लगते हैं इसलिए अपन को उसको लुब्रिकेट करना पड़ता है, उन सबको प्रॉपर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मूविंग पार्ट्स मिनिमम होते हैं, कम से कम होते हैं, इसलिए जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है लो होता है, कम होता है। ओके, इसका जो रिस्पांस है वो इंस्टेंटेनियस रिस्पांस होता है, तुरंत ही रिस्पांस देता है हमारा। ओके, मतलब वहां पे अगर कुछ भी चेंज हो रहा होगा रिमोट लोकेशन पे, अपन ने क्या है चैनल बिछा दिया, जो डाटा यहाँ पे है वो यहाँ पे रिसीव कर रहा है, अगर यहाँ पे रिमोट लोकेशन पे कुछ भी वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज में करंट है तो वो अपन को तुरंत ही वहां पे क्या होगा जहां पे हम बैठे हैं जहां पे हमारा सब स्टेशन है वहां पे पता चल जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो रिस्पांस होता है वो कैसा होता है इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत होता है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारे क्या एडवांटेजेस ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम। जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस तो हमने देख लिए कि क्या एडवांटेज है, शॉर्ट ट्रांसमिशन उसके लिए यूज करते हैं हमारा। ओके, उसका जो रिस्पांस है वो क्या होता है क्विक होता है हमारा, उसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं इसलिए उसमें जो रिपेयरिंग है वो क्या होती है कम लगती है, कॉस्ट क्या होती है कम होती है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज के साथ कुछ ना कुछ क्या होते हैं हर एक सिस्टम में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है लिमिटेड होता है हमारा। ओके, लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं, एक हमारा फ्रिक्वेंसी है जो कि हमारा 50 हर्ट्ज हो गया तो हमारा एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, अपन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो अपन बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो 50 हर्ट्ज नहीं बोलेंगे, जो लो फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। ओके, तो लिमिटेड फ्रिक्वेंसी, अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करना चाहें तो अपन इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग इज डिफिकल्ट, सिग्नल को जो मल्टीप्लेक्स करना है मतलब बहुत सारे सिग्नल को ऐड करना इसमें क्या होता है टफ होता है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, इसमें सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है डिफिकल्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है डिस्टॉर्शन इन ट्रांसमिशन लिंक, इसमें हमने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं कॉपर का वायर या केबल यूज कर रहे हैं, तो अगर ये जो ट्रांसमिशन लिंक है अगर इसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन होता है तो वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाता है मेन सिस्टम में, मतलब जो हमारा मेन सिस्टम है उस पर भी क्या करता है इफेक्ट करता है। ओके, तो जो डिस्टॉर्शन है ट्रांसमिशन लिंक में वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाता है मेन सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट क्या है ये जो सिस्टम है वो इफेक्टेड होते हैं बाय एक्सेसिव लाइन रेजिस्टेंस, जो हमने लाइन यूज की है मतलब हम क्या कर रहे हैं प्रॉपर चैनल यूज कर रहे हैं, चैनल यूज कर रहे हैं कॉपर वायर है केबल है कुछ भी है, तो जो वायर वगैरह होता है उसमें क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा उसमें से करंट अगर मेजर करना है वोल्टेज मेजर करना है करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस क्या होते हैं बढ़ जाते हैं हमारे, तो एफिशिएंसी क्या होती है रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो एक्सेसिव लाइन रेजिस्टेंस होने के कारण ये सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, अगर ट्रांसमिशन लिंक यूज कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो डायरेक्टली सिस्टम में एडमिट हो जाएगी, सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग डिफिकल्ट होता है और जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या होता है लिमिटेड होता है। तो ये हो गया हमारा कि लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें यूज करना चाहिए, डिसएडवांटेजेस क्या है, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, तो हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो दोनों को मिक्स करके हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं कहाँ यूज नहीं कर सकते,
कहाँ पे हम यूज करेंगे तो ये हमारे लिए किफायती होगा, मतलब फायदेमंद होगा, उसकी कि कॉस्ट भी कम पड़े, हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा मिले, ये सब देख के फिर अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।